वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जफर। तो जो वीडियो देख रहा हूँ सबा इब्राहिम की वीडियो है जो कि है ईद ब्लॉग। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ईद डे, ईद का मीठी मीठी चीजों की तैयारी होती है। ये है क्या ईद का और इंडिया में ईद गाँव साइड। आमीन। ये मैं नजरा लगा लगा था, अभी मेरी आवाज ऐसे जैसे अपने कानों को पड़ती है ना सुनने के लिए। आपको भी नजर लग रही है। हाँ, माशाल्लाह। जल्दी से औलाद दे, जहां खावे के जल्दी से। अम्मी सलाम वालेकुम, आ गए, ईद मुबारक। मैं अपनी अम्मी याद आ, इंशाल्लाह गुड्डू भाई के यहाँ खा लिया, अभी इनकी शादी में आइए। अस्सलाम वालेकुम समीर भाई, ईद मुबारक। आगे नमाज पढ़ के आप लोग मेरे ब्लॉग देखे होंगे, उनको पता ही है। नए कपड़े पहन लिए, फिर करेंगे वीडियो कॉल दिन तक है। आ गई अपने कपड़े लेके। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक और आपको भी। सनी भाई सो गया। आ चुके हैं किचन में और हमें बनाना है शीर खुरमा। ड्राई फ्रूट्स देखिए मैंने कितने अच्छे से कट करके रख लिए थे और सारी चीजें यहाँ पे रख ली है जो जो हमें बनाने में यूज होंगी, जैसे कि घी, दूध और यहाँ पे खीर जो है वो सुबह से पक रही है, मतलब बीच में 2-3 घंटा बंद किया जब हम सो रहे थे। ये मैं नाम भूल गया उसका, अलग में इतना खाता हूँ, वो छील के ऐसे निकालते हैं ये वाला, ये ग्रीन वाला नाम नीचे से खसखस मंगाया, पता ही नहीं है। खसखस जो बारीक बारीक होता है। नहीं बुरादा नहीं, क्या बोलते हैं इसको, मुझे तो खसखस पता था, वो जो डॉट डॉट रेत जैसा नहीं होता, मैंने उनको एग्जांपल दिया, रेत जैसा होता है, नमक जैसा होता है। अम्मा को भी नहीं पता खसखस क्या होता है, वो कहीं हमें नहीं पता, मंगाना हो तो मंगा सकती हूँ मैं। तैयार होएगी फिर दे दीजिएगा। और ये इतनी सी साइड निकाल के मैंने शुगर फ्री वाली सेवई बना दी सनी के पापा के लिए। फिर ना हम लोग बैठे बैठे बोर हो रहे थे क्या करें, और खाली दिमाग शैतान का होता है, तो मुझे सोची कि सनी के हाथ में मेहंदी लगा देती हूँ उसको परेशान करने के लिए। तो बस अब देखो मैं क्या करती हूँ। मेहमान आया चार, क्या किया है, नाम लिखा है, यहाँ कौन नाम लिखता है भाई, ये देखो उसमें बिगड़ गया। सब भाई ब्राइन लिखती है, उन सब जगह नाम लिख दिया, पूरे मुंह बाद में क्या कहेगा बाहर। तेरे अपने बीवी का तो है, ऐसे कौन बात भी मत करना, हाथ नहीं धोना, हाथ नहीं धोना, ऐसे आपसे धोया जा रहा है मेरा नाम, शर्म आ रही है क्या। अरे तेल लिखते थे इंसान जाने, पूरी उंगली भी लिखती है पूरे नाम। थे बंदा पाक दोस्तों में वो जलील करते हैं, जरी भी बात है करते हैं, समझा करो। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। तो फ्रेंड्स अब खाना खा लेते हैं, बिरयानी सनी ने बाहर से बनवाई है तो बस हम इसे ऐसे गर्म कर रहे हैं, सुबह से आके रखी थी। लोग यहाँ पे खा रहे हैं खाना बैठ के, यहाँ चलो खाओ खाना जल्दी। शुगर फ्री वाली दिखाओ तुम्हारा शीर खुरमा कैसा खा के देखें। मीठा सही है, सब कुछ बनाने के बाद दही बड़े बन रहे हैं। दही बड़े का पूरा काम सुबह कर ही चुके थे, लेकिन अब उसको असेंबल करना है पूरा ताकि इसे खा सके, गर्म पानी करना पड़ेगा। ये गर्म पानी में इसको उबाला जाता है क्या। कल रात से हो गया इनका खाना 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 खाना, देख देख के मेरा पेट भर गया। यहाँ धूप देखिए, एक सुबह का मौसम था कभी का मौसम, इतनी गर्मी है बाहर, कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू क्यों लगा हुआ है, बाहर निकलेंगे पूरे में रौनक फैलाएंगे।
वो एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ और पूरे मौसम पैदल 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 एक चक्कर जाके मार छेड़ो। दीदी मांगते हमारे पास पैसे नहीं है, कहाँ से दीदी बताओ। ऐसे लोगो को देता है जो तैयार यार होते नहीं, जो तैयार हो तो फिर ईदी इंसान देता है। ये कितने देर पानी में रहेंगे? मेरी जवाब बड़ी ईदी गई है, कैलकुलेट करने बैठो ना। एक लाख बोल रहे, दो लाख मुबारक। इसके बाद मुझे अगर बिना कपड़े मतलब ये दूसरे कपड़े में दिख रही है बताऊँ तुम्हें। खाने का तो होना चाहिए, खाने का हो गया भाई। बहुरा कह रहे थे मुझे नहीं पता कितनी है। देखो अम्मी ने तो दिए, अब्बू ने दिए थे पानी, सही कह रहा है। और एक मामू था उसने ज्यादा 11,000 मुँह पर पता नहीं क्या है, 2,20,000 के 11,000 क्या है जा जा। नाश्ता में जाया होती है मगर कभी नहीं दी थी मेरा भाई। हाँ आप बता। ये ले 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 वहाँ कबाबर का तेरा ले रहा है। ये कितने वाला नोट था गिफ्ट? अब मैंने तुम्हारे लिए कहीं से मंगाया है निकाह मुबारक, क्या भी सरप्राइज स्टार्ट हुआ है सरप्राइज तुम्हारे लिए? ये तो मैंने आपके फोन में देखा था इसका फोटो। ए यार तुम फोन देखते हो? निकाह मुबारक क्या तुम लोगों कुछ ये सब क्यों फोन देखते हो भैया? भूरी हेलो पे अरे बाप देखा तो कितने चौधरी को है नुकसान है बाजी जलवा है भाई। बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह बहुत। चलो भाई लो ईद। ओफो नहीं कुछ हो रहा है, तुम्हारी पहली ईद भाई यहाँ घर में आराम से आराम से। अरे मुझे चाहे चॉकलेट गिफ्ट गिफ्टी होता है मुझे किसी का भी निकल नहीं तुम्हें लगे की मुंबई में बड़ा गिफ्ट दे रहा हूँ। अरे सब इतना अब मत देना ले तो लगा रोज ले तो बात करा जी दी जा रही है। लाइक बहुत सटीक कैमरामैन की है। अच्छी लग रही है। थैंक यू मामी। अरे यार की बैठ मामी। ईद मुबारक। ईद मुबारक। चला तुमने कितने वाला नोट दिए? ये वाला मुझे पता ही नहीं यार, देखो और निकालो। चलो जल्दी आओ जल्दी आओ इधर के लिए जल्दी आओ। मैं क्या बदल गया हूं? अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा मैं और लकी हम हमारी फैमिली ऐसे कजनों में से है कि हम जिधर होते हैं ना उनके भी सारे सारे यार। नहीं नहीं सुनो सुनो रुको तो पहले पीछे तो जाओ ईदी देखा, लेकिन पहले सनी की मेहंदी तो देख लो। बड़े नहीं नहीं ये इतनी मोहब्बत करता है हमसे कि दोनों हाथों में हमारा नाम लिख के घूम रहे। यही तो बात है असल, इधर ही तो बना फंसता है। नहीं मेहंदी वाले हाथों से ईदी अरे मेहंदी वाले हाथ भाई। अरे नहीं
फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं अपनी नानी के घर, मतलब अम्मा के घर, और एक टाइम था यहाँ पे हमारी चांद रात ईद सब कुछ यहीं होता था, सुबह से यहाँ होते थे, चहल पहल होती थी, और आज रात में आने का टाइम मिला है, लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। मैं जिस घर में से रह रहा हूँ इधर इतने लोग होते हैं और हम लोगों से तीन लोग हैं वो भी ईद मनाने आ गए। नहीं नहीं मेरी नहीं, आ जाइए भाग अंदर, आ जाओ अंदर, ले लो ले लो जी। दादी से ईदी, अरे वाह भाई माशाल्लाह, अरे वाह भाई। तो फ्रेंड्स नानी क्या मिल ली, अभी हम जा रहे हैं छोटी मम्मी के घर। चलो किसके घर आ गए हो? मामी के मायके गए थे हम, उनकी भाभी ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था और ये सेवइयां तो बहुत अच्छी थी, इतने दिनों बाद मैंने मीठा खाया, मजा आया। फ्रेंड्स सभा के लिए मैंने एक और हैम्पर ला के यहाँ रख दिया है, उसको पता नहीं है, अभी चलते हैं उसको दिखाते हैं। हैम्पर में लाइट है, ये दूसरा है, मुझे लगा ये वो सर, इतना ज्यादा नहीं जमी, बहुत ज्यादा हो गया भैया। लास्ट मेहर की दी, थैंक यू नहीं नहीं, सनी भाई की तरफ से अलग, हमारी तरफ से थैंक यू। मैंने कभी भी नेक्स्ट डे, कौन है टैडी, पहले बताओ मैं कौन हूँ, फिर टैडी मिलेगा। चलो मामी कौन सा चाहिए वो ले ले, कौन सा वाला चाहिए, चला हो चुका है। आज ईद का डे टू, कल बहुत थक गए थे, ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया तो आज कंटिन्यू। और ये नया सूट कहाँ से निकाला है? ये जब उस बार आए थे हमारे दिन आया था। अच्छा आ जाओ, चलो जाए नीचे, चलो हम सब ले लो। ओ भैया उसकी देख लो लड़की को, ईद के दिन फ्रेंड्स सब अपने घर में बिजी होते हैं, इसलिए आज मेहमान आए, मतलब सनी की पुप्पी की बेटी आई है नेहा, जिसे आप जानते हैं, और आई है। अच्छा ये देखो ना, इसके बनियान नजर आ रही है, जल्दी बनाओ। पूरी तस्वीर इसके नीचे लोग कह रहे थे कि इतने भी सस्ते कपड़े पहनने ये बनियान, अबे व्हाइट होते हैं कॉटन के, उसको मैं पहले चले, इसको कपड़ा होता है उसके अंदर से आती ही आती है, या तो बॉडी दिखा लो क्या, और वैसे मुझे अच्छा लगता है कि सब लोग डिनर नहीं लंच करते हैं। फातिमा भी आई हुई है, करो फातिमा, ये सनी की फूफी की बेटी है ये। हुरैन हुरैन फोन लेके बच्चे आ, देखो हुरैन इधर, हुरैन हम जा रहे हैं, अकेले अकेले खा लेगी, अकेले अकेले खा लेगी, खाने दो यार, इसी ऑन कर दो। चावल आ गए यहाँ पे प्लेट्स, उनको इंडिया वैसे बिजली का यूनिट कितने का है, लेगी आप चलो भाई सब लोग खाना खाएंगे, आज सब लोग आएंगे, नया लोग आएंगे, ईद कल थी आज आई है नया, मेकअप वेकअप करके आई, ईद सेलिब्रेट करने आई हूँ। आज भी ईद है, किसने कहा कि आज ईद है, तीन दिन रहती है, तीन दिन होती है, तीन दिन बकरा ईद होती है, तीन दिन। चलिए आइए फुप्पी जान, बैठिए बैठिए, रोटी लेके दुपट्टा पर डाल के मेकअप करके आइए आज। सनी अपनी बहन को ईदी देते हुए कितने सनी दिखा, देखो सनी भाई की दीदी, ये सनी भाई से मिली, ये सनी की दीदी, ठीक है। अब कितने वाले उनको मैच तो करे स्किन से, लेकिन पहले शेड चेक कर लो, मेरे को ना बीच शेड चाहिए, हाथ में लगा के देख लो आराम से, ये है ना, थैंक यू ये वाला, ये वाला, ये लेना फेस क्रीम भी चाहिए, ये वाला जो दे दो। ईद मुबारक बोलो, ईद मुबारक, शबा मामी चॉकलेट, चलो हम लोग सब जा रहे हैं घूमने करने, बोलो ईद मुबारक, ईद मुबारक बोलो, आपके सामने करूंगी, कर दे कर दे, ठीक है मेकअप काम आएगा, आपको पता है कि ये सब चीजें मैं नहीं खा सकती, मान देना आज मेरे लिए खा लेना, फिर नहीं खाना इतना सारा, नहीं बाकी बच्चों को ले जाना, मीठा तो छोड़ ही दो, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा लगा, जितने भी मेहमान आ रहे सारे लोग इतना ज्यादा तारीफ कर रहे थे माशाल्लाह। उसके बाद फिर मिलने के लिए हमारी फूफी आई थी, और फूफी की बेटी आई थी, और बेटी की बेटी आई थी, मतलब सारे फूफी के लोग आए थे, तो बस उनसे मिले, ज्यादा व्लॉग नहीं शूट किया, बस इतना ही था। बाजी आई हुई है फ्रेंड्स नीचे, अब हम चलते हैं, हमारे सारे काम खत्म हो गए, अब बैठ
बाजी के पास थोड़ी देर बैठे, फिर उसके बाद मामू लोग आ गए क्योंकि मामू ईद के लिए आए थे, बाहर रहते हैं, लोगों को जाना था तो उन्होंने सोचा मिलके जाते हैं। और बाजी के साथ व्लॉग आपको दिखता नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि बाजी अवॉइड करती है, तो इसीलिए बस ये वाला क्लिप देख लीजिए, बच्चे कैसे प्लेट लगा रहे हैं। बड़ा मजा आता था यार, ईद तो वैसे बच्चों की होती है और अभी वो भी याद करेंगे जब भी छोटे लोग हैं। फ्रेंड्स ये था मेरा ईद व्लॉग, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। ये दो दिन का शूट है, एडिटिंग का टाइम थोड़ा लेट मिला, आपको पता है कि कितना मुश्किल होता है एडिट अच्छा करना, सबसे मिलना होता है, सबको टाइम देना होता है, वो ज्यादा जरूरी होता है। ये ससुराल में मादहा में मेरी पहली ईद थी शादी के बाद, वैसे शादी के बाद ये दूसरी ईद है, लेकिन लास्ट ईयर हम अलग थे, सनी अलग थे, हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, जिनको नहीं पता उनको बताया। तो इस बार बहुत अच्छा था, सबने बहुत स्पेशल बनाई मेरे लिए ईद, सनी ने इतना कुछ किया, इतने सारे सरप्राइजेस आपने देखे, अम्मा ने इतना प्यारा सा गिफ्ट दिया, आप देख सकते ये मैंने पहना हुआ है, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि इतना प्यारा सा गिफ्ट मिलेगा, बहुत अच्छा लगा। जो मायके के लोग होते हैं वो आपके बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं क्योंकि आपने बचपन से इतने साल उनके साथ बिताए होते हैं, उनके साथ फेस्टिवल मनाया होता है उस तरीके से, तो थोड़ा चेंज होता है ना, तो उनको मिस तो करते ही, ये जाहिर सी बात है, मैंने सबको बहुत ज्यादा मिस किया। छोटी छोटी चीजें याद आ रही थी क्योंकि उनके साथ ही अम्मी पापा भाई रिजलियन के साथ हमने पहले मौदहा में ईद की है, तो उनको यहाँ पे मिस तो जरूर किया, लेकिन इन लोगों ने मतलब मेरे ससुराल वालों ने एक कोई भी कसर नहीं छोड़ी जिससे मुझे अच्छा लगे, तो बहुत अच्छा लगा। बाकी आप सबने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारी दुआएं दी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अप्रिशिएट किया कि थोड़ी बहुत कुकिंग करी, और इस बार जो भी कुकिंग करी ना फ्रेंड, जो भी बनाया सबको अच्छा लगा, कुछ बिगाड़ा नहीं मैंने। तो बस अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, आपको देना है मुझे ईदी, ईदी कैसे दोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, मुझे नहीं मिलती करके, आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ, अल्लाह मत दो ईदी। अच्छा लोग यार अच्छा लगा, मजाक कर रहा हूँ साथ साथ, तो मिलते हैं फिर, बाय बाय।